और यहाँ पे आप देख सकते हो चढ़ाई का रास्ता कैसा है, पूरे से चढ़ के जाना है गाइस, और उतरना भी बहुत ही मुश्किल है। रूपगढ़ हमारा कोई रूप नहीं है लेकिन गढ़ में है। अमित भाई का वजन देख सकते हो, फिर भी उठने हो रहा है। अमित भाई अभी ऐसा लग रहा है, पूर्वजों ने पत्थर लगाया जोरदार। हेलो एवरीवन, कैसे आई होप कि आप हैप्पी होंगे। सो रोहित दिन आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस आज है संडे, हम सभी फैन मिलने वाले हैं और अभी हमारे साथ है प्रदीप भाई सागर भार और वहाँ पे है पीके, और अभी पांच छह लोग आ रहे हैं। कौन वो आपको हम दिखाएंगे क्या प्रदीप भाई? कहाँ जाएंगे हम? कहीं जाएंगे हम लोग घूमने, एकदम नेचुरल जगह पे नेचर की मजा लेने जाएंगे। आज देखेंगे आपको बताएंगे कैसा है यहाँ का नेचर, मौसम भी है, बारिश भी हो रही है, देखो शुरू हो गई है, अभी शुरू हुई है बस, बाद में हम आपको सब दिखाते हैं। और अभी थोड़े हमारे भाई लोग आ रहे हैं तो अभी हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं, तो मिलते हैं आगे। ये हमारे पिंकेश भाई जो आज हमें गाइड करने वाले हैं। कितने कहाँ के लेके जाने आज? आज हम जाएंगे रूपगढ़ गाइस। अभी यहाँ बिहार हम और फ्रेंड आ रहे हैं, उनकी वेट कर रहे हैं। उधर चाहिए सामान वो लेके इधर से निकलेंगे सीधा रूपगढ़, और उधर देखिए रूपगढ़ में क्या नजारा मिलेगा। आज हमें पिंकेश भाई गाइड करेंगे तो मिलता है। रोहित भाई गए नहीं है, अब उनको हम दिखाएंगे पूरा रूपगढ़। हमारा अमित भाई आप लोग जानते हो अक्सर हमारे ब्लॉग में आते रहते हैं। अमित भाई और ये प्रज्ञेश भाई, प्रज्ञेश भाई अमित भाई और ये हमारे रोहन भाई, हम सब जाने वाले हैं रूपगढ़। अभी हम खड़े हैं व्यारा जिला सदन व्यारा, और अभी हम जा रहे हैं। इतने लोग आप देख सकते हो, दो कार लेके। आ गए हैं रूपगढ़, और आप देख सकते हो सब लोग यहाँ से ट्रैकिंग चालू कर रहे हैं, और हमें काली बेल से लेफ्ट मारना है और 3 से 4 किलोमीटर के आगे ही है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग है और हमने यहाँ पे कार पार्क कर दी है। अमित भाई चलते हैं ऊपर, हम सीधा ऊपर जाएंगे अभी। अमित भाई ये आपके हाथ में पोटली कौन सी, क्या है ये पोटली? पोटली नहीं है, ये रेनकोट है, एकदम सस्ता वाला ऐसा है एकदम। ये मैंने भी लिया है, 100 वाले में भीग जाओगे लेकिन 100 वाले में आप कभी भीग नहीं सकते ऐसा है, ये एकदम हेवी रेनकोट है। ओके, और गाइस हम अभी यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। अभी गाइस हम आपको दिखाते हैं वो हमारे पोटली में क्या था। तो गाइस आप देख सकते हो अभी अमित भाई लाइव दिखाएंगे। अमित भाई दिखाओ लाइव, लाइव दिखाओ ये कैसे पहनना है। अभी मैं आपको पहन के डेमो दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें भी पानी नहीं जाता। एकदम बढ़िया है, कलर भी अच्छा है, एकदम येलो वाला, येलो वाला। अभी हम ऊपर जाएंगे अभी। और गाइस ये हमारे रोहन भाई की न्यू कार जो अभी 5-6 दिन हुए लिए, और मेरे तो पार्टी भी बाकी है रोहन भाई के पास से। और यह XUV, अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से चलते हैं ट्रैकिंग पे, और लगता है मुझे भी छाता खोलना पड़ेगा। जा रहे हैं लॉन्ग ट्रैकिंग पे अमित भाई। सिर्फ 5 मिनट का ट्रैक किया है, और आप देख सकते हो वहाँ पर हमें ऊपर जाना है। बहुत ज्यादा बारिश है और फोगी वेदर है, हम बाद में कहीं जाएंगे। सभी फंस रहे हैं एक एक करके। तू 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 पड़ता है भाई। यहाँ पे अमित भाई फंस गया है और प्रज्ञेश भाई भी। चप्पल कर लाए और गाइस यहाँ पे हमें चप्पल निकाल के जाना पड़ गया ऐसा लग रहा है। तो अभी जाके देखते हैं, सभी ने चप्पल निकाल दिए हैं। अभी हम जा रहे हैं रूपगढ़ फोर्ट, मेरा फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है, पूरा वेदर कैसा है, सब बोलते हैं बादलों के बीच में जाना है वहाँ पे। अभी जाके देखते हैं और फील करते हैं कैसा है, और आप लोगों को फील करवाते हैं कि ऊपर का वेदर कैसा है। मुझे पता होता आप भी आने वाले तो मैं नेहा को भी लेके आता। ऐसा भाई ने भी नहीं बोला, रोहन भाई ने वो मांडवी से आई सीधा ऐसा है। नहीं आने वाली थी। ओके तो ठीक है चलो, अभी हमने स्टार्ट किया है तो सभी अभी घूम के आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना चढ़ना और उतरना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से हम शॉर्टकट निकाल के भी चल रहे हैं प्रदीप भाई के साथ।
और पटने से बोल रहा है कि आधा घंटा है अभी, और जो अंकल लोग ऊपर से आए वो बोल रहे हैं यहाँ से अभी डेढ़ घंटे का रास्ता है। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है आप देख सकते हो। सब कैसे हो? और अंकल ने बोला अभी आधा घंटा, कोई बोल रहा है डेढ़ घंटा, कोई बोल रहा है एक घंटा, अब किसकी सुने? आधा घंटा ही है क्या भाई? आधा घंटा है ये भाई बोल रहा है, आधा घंटा है। सो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं गाइस। ओके ब्रो, शाबाश शाबाश। और यहाँ पे आप देख सकते हो चढ़ाई का रास्ता कैसा है, पूरे से चढ़ के जाना है गाइस, और उतरना भी बहुत ही मुश्किल है। सो चलो चलते हैं ऐसे ही रास्तों से, थोड़ा शॉर्टकट लेके, प्रदीप भाई एक मेरे साथ जो हम टॉप पे चल रहे हैं। पहुंचे हैं हम यहाँ पे, एक घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे हैं ये नजारे पे। प्रदीप भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बादल के बीच आ गए गाइस, आप देख सकते हो यहाँ का। कितना भी यहाँ से व्यू देखते हो, दिखा दो आपको नजारा कैसा लगा वो हमें कमेंट बताना और लाइक करना, और हाँ अभी तक आप हमारे चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी यहाँ से हमें जाना है 15 से 20 मिनट, हम दिखाते हैं आगे, और गाइस आप हमारे वीडियो में बने रहना तो बहुत ही मजा आने वाला है। प्रकाश भाई ने बोला था बादलों के बीच जाएंगे, तो सही है प्रकाश भाई, देखो बादल के बीच आ गए। आप बता के मोबाइल, पता नहीं मोबाइल का कैमरा आपको फील करा पा रहा है, मगर करा होगी तो आपको फील होगा। और यार व्यू देख सकते हो यहाँ पे गाइस, रोहन भाई और भाभी वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं सेल्फी। प्रकाश भाई यहाँ से चढ़ रहा है और हमें बोल रहा है आप लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, यहाँ से भी चढ़ जाऊंगा। दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम है तो उनको थोड़ा दिखा देता हूँ, पीछे से भी व्यू है अच्छा, इसके लिए हम इधर थोड़ा चल के आए। फाइनली आ गए हैं रूपगढ़, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, और यहाँ पे सब खाना वाना बना रहे हैं, सभी फैंस आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, बट यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह है गाइस। पिंकज भाई और कुछ है क्या यहाँ पे घूमने के लिए? हम लोग आपको यही दिखाना चाहते थे, आगे पानी का वो बनाया हुआ कुंड है, चलो पानी का कुंड है ऊपर रूपगढ़ तो आ गए हैं, पर पिंकेश भाई बोल रहा है कि वहाँ पे पानी का कुंड है, तो देखते हैं अभी कैसा है। वहाँ पे छोटा सा फोर्ट है, आपने देख ही लिया रूपगढ़ का, जहाँ पे सभी खाना बना रहे थे, बैठे थे सभी, और यहाँ पे पानी का कुंड आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे, फिर आपको दिखाते हैं। उतरना है तो फिर इधर देखो, ये इधर से उतरना है सीधा, हाँ यहाँ से जाना है उत्तर बिहार, तो ये सबसे लग रहा है कि उल्टा हो सकता है। जब ये खाली कब होगा? खाली तो वो इसके सीजन के बाद ही, समर में, इस समर में खाली होगा, क्योंकि वो बारिश के हिसाब से वो पूरा बढ़ जाएगा, इतना फूल हो जाएगा यहाँ तक, फूल हो जाएगा जैसे बारिश बढ़ेगी, पूरा ये दिखता ही बंद हो जाएगा, इधर कुछ है भी, पूरा पानी ऐसा भर जाएगा। हाँ सबको दिखा है ऐसा, यहाँ का पानी का कुंड है और बहुत गहरा है गाइस। यहाँ पे सीढ़ी है, तभी ये खाली होगा समय भी शायद, तभी हम यहाँ से नीचे उतर के जा सकते हैं, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कितना गहरा है। सो अभी भाई लोग आ रहे हैं, सो अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, चाय नाश्ता पानी करेंगे, सो गाइस खाना खाएंगे। और खास बात ये है गाइस कि रोहित भाई की वीडियो बहुत अच्छे रहते हैं, और आपको पूरा ये दिखाएगा वीडियो पर देखना, और लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और अभी आगे के वीडियो भी देखते रहे, और हम आए हैं वैसे आप लोग आ सकते हैं, चढ़ना नहीं है, नॉर्मल है, और मुझे भी बहुत आएगा। तो गाइस अभी भाई लोग आ रहे हैं, सो मिलते हैं आगे। गाइस अभी हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, और पटने भाई यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पर हवा इतनी तेज चल रही है गाइस की चढ़ भी यहाँ पे रह रही है, सब उड़ रहा है गाइस, इतनी हवा आ रही है यहाँ पर। पटने
बाय। और हॉबी बहुत ज्यादा आ रही है। अरे पिंकेश भाई लेके जा रहे हैं ना, हमें गाइड कर गया पिंकेश भाई। तो गाइस अभी हम वो पानी का कुंड है उसके पीछे जाएंगे। कहाँ पे क्या भाई, बहुत चल रहे अमित भाई। अभी जा नाश्ता करना पड़ेगा भाई। वाले समोसे सोनगढ़ से लाया हूं मैं। क्या बात, अरे भाई कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा बता दो। इधर 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 हमारे सब्सक्राइबर को। कुछ नहीं भाई, आप लोग भी आओ यहाँ पे, यहाँ का नजारा देखो। में आ चुके हैं हम लोग। हवा कैसी चल रही है? हवा बहुत अच्छी, एकदम ठंडी, एकदम भीनी भीनी हवा, भीनी भीनी हवा। जा रहे जा रहे, हवा इतनी तेज चल रही है, आप लोग देख सकते हो। अमित भाई का वजन देख सकते हो, फिर भी उठने हो रहा है। अमित भाई अभी लग रहा है, हवा चल रही है। पूर्वजों ने पंखा लगाया जोरदार से। अरे जहाँ भी जाएंगे हवा लगेगी भाई। अरे पिंकेश भाई में गाइड कर रहा है, पिंकेश भाई गाइड कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। नॉर्मल वहाँ पे चलते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ी हवा कम आएगी। ये देखिए अब आ चुके हैं ऊपर, और इधर सब बैठे हुए हैं, अब खाना खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। प्रदीप भाई भी देखिए कितने क्लीन हो चुके हैं, मस्त एकदम ब्लैक थी भाई, कुदरत एकदम ब्लैक। थक गए अमित भाई, बहुत थक गए हैं, इसीलिए खड़े ही रहे, और हम खाना खाएंगे अब थोड़ा सा। कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो? थम्स अप। ओके ओके गाइस, ओके। तो गाइस ये सब भाई लोग भी आए अभी, और गाइस अभी हम रुके हैं लोकेशन पे गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आप अपने साथ कितने हवा है अमित भाई के साथ चले गए। पूरा आ रहा है फॉगी वेदर, और गाइस लग रहा है यहाँ पे। रोन भाई, रोन भाई क्या बात, क्या यहाँ पर ही टेंट लाकर यहाँ पे ही रुक जाओ। ओ सो गाइस आप देख सकते हो, भाभी आप क्या बोल जाओगे, यहाँ पे सब विजिट कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, और बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे प्रस्तुत चल रहे हैं अमित भाई और प्रज्ञेश भाई, भाभी और रोन भाई का प्रस्तुत कर रहे हैं। और गाइस ये रोन पर पकड़ा है केकड़ा, आप देख सकते हैं इस तरफ से क्रैब्स बोले तो हम हिंदी में केकड़ा और इंग्लिश में क्रैब बोलते हैं उसे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करो। जगह तो ऐसी है जैसे आप देखोगे जन्नत, जन्नत फील हो रही है यहाँ पे आके मेरे को। लेकिन ये वादियों में मैं खो गया हूँ, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ। हम भी खो गए खुद भाई, कुछ पता नहीं सकता। बादल ही है जहाँ भी देख रहे हो, तो जहाँ नजर जाते सब बादल है। हम कहाँ पे हम कहाँ पे रूपगढ़, हमारा कोई रूप नहीं है लेकिन गढ़ में है। नहीं नहीं रूप का गढ़ है, रूप का गढ़, हाँ रूप का गढ़ है। इस गढ़ का रूप तो दिख रहा है हमें, किला है ये, रूपगढ़ एक किला है ऐसा है। फोटो खींचने के लिए इतना हो गया हूँ कि बेचैन बेचैन हो गया कि कितना खींचू, सब जगह बादल, सब ये हो गया हूँ मैं कि नजर आप आओ। हम नेहा जी को मिस करें, मिस करें, मिस करें,
कैसे हो, कि आपका वेदर कैसा है और यहाँ का लोकेशन कैसा है गाइस। यहाँ पे देखो तो ये पूरा फॉगी वेदर है और सब यहाँ पे इतना ज्यादा पब्लिक है कि आपको क्या ही बताऊँ। सब लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का वेदर ही कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ पे इतना मजा आ रहा है कि आपको क्या ही बोलो। यहाँ पे आप आओ, एक बार विजिट करो। काली दिल से थोड़ा 5-6 किलोमीटर है और ट्रैकिंग करना है सिर्फ एक या डेढ़ घंटा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ का ये टॉप व्यू है गाइज, आप देख सकते हो रूपगढ़ का टॉप व्यू। मेन व्यू अब देखने को मिलेगा आपको। हाँ। ये तो देखा आपने भाई। ये देखो, ये व्यू है अलग, आपको भी मैं दिखाता हूँ गाइस। अभी नहीं कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये देखो गाइस आप, ये अभी हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू रहना क्योंकि हम व्लॉग को एंड करने वाले हैं। लास्ट तक नीचे उतरेंगे तभी व्लॉग को एंड करेंगे गाइस। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहना क्योंकि यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा है कि गाइस हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। क्या अमित भाई, बढ़िया फिटनेस भाई, आप लोग कुछ बोल दो हमारे सब्सक्राइबर को। लगेगा लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते क्योंकि बारिश का अभी टाइम है, कुछ भी आ सकता है एनिमल्स। और यहाँ पे आजू बाजू कुछ दिख भी नहीं रहा, इतना धुम्मस हो गया। और गाइस यहाँ पे फॉग वेदर है बहुत ही ज्यादा। सो गाइस अभी यहाँ पे नीचे चलते हैं और हम व्लॉग को नीचे ही जाके एंड करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहना। तो घूम के आ गए हैं, तो अभी ट्रैकिंग यहाँ पे उतरे हैं अभी हम। और आप देख सकते सभी पैर धो रहे अपने अमित भाई, मतलब पूरा काला हो गया और सभी यहाँ पे पैर धो रहे आप देख सकते हो। साकी भाई अभी पैर धो रहे हैं, अभी सभी फ्रेश हो रहे हैं गाइस।